विनोद बंसल ये बताइए, ये लोग बदलाव चाहते थे या ये ध्रुवीकरण की जीत है जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि गोधरा के जो आतंकी थे वो हैदराबाद में पकड़े गए, सूरत बम ब्लास्ट के आतंकी हैदराबाद में पकड़े गए, और जो हिंदू मानव बिंदुओं पर हमले लगातार जो हैदराबाद के अंदर हो रहे थे, उन सबका एक कलेक्टिव जो नतीजा है वो वहां की क्षेत्रीय जनता ने निकाला है। वो चाहते थे कि आखिरकार मेरे हैदराबाद को, हमारे भाग्यनगर को कब तक बदनाम करते रहेंगे ये नेता और कब तक अपने बाप की बपौती समझते रहेंगे। आखिरकार जनता का जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता की चलती है। आप देखिए कि हिंदू त्योहारों पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी, ठीक है, और उसके बाद जो मतलब आप ये कहना चाहते हैं विनोद बंसल जी, ये ध्रुवीकरण की जीत है, ये ध्रुवीकरण की जीत है, इसीलिए अमित शाह जब पहुंचे थे तो भाग्य लक्ष्मी देवी मंदिर पहुंचे हुए थे, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने भाग्यनगर की बातचीत कर दी, इसीलिए जो रैलियां हुई वो पूरी तरीके से भगवा रंग में रंगी हुई रैलियां हुई।